क्या आप जानते हैं रात का खाना लेट नहीं खाना, रात का खाना शाम को जल्दी खा लेना आपके शरीर में कई सारे रोगों को पूरे तरीके से जड़ से कम कराने में, जड़ से खत्म कराने में आपके शरीर की बहुत मदद करता है। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि शाम का खाना जल्दी खाना हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कैसे ये हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करेगा और कौन से रोगों में शाम को जल्दी खा लेना आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ये बात पूरे तरीके से आप समझ पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस बनाई जाएं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो कहा जाता है कि शाम का खाना सूर्यास्त के पहले पहले खा लेना चाहिए, सूर्य ढलने के पहले पहले खा लेना चाहिए, उसका एक बड़ा महत्व होता है क्योंकि शाम का खाना आप जितना जल्दी खा लेंगे आपका खाना आमाशय से आंत में जल्दी जल्दी उतरना चालू हो जाएगा और सोने के पहले आपका आमाशय खाली हो जाएगा। और अगर सोने के पहले आपने अपने आमाशय को खाली कर लिया तो निश्चित ही यह आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ा देगा। आजकल लगभग सभी लोग परेशान हैं, नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है। कहा जाता था कि अगर आपका शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ है तो उस स्वस्थ शरीर का एक लक्षण होता है शुद्ध तीक्ष्ण गाढ़ निद्रा। भूख तीखी लगे और नींद गाढ़ी आए तब माना जाता था कि आपका शरीर पूरे तरीके से स्वस्थ है। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं लेकिन ये दो मूलभूत बहुत आधारभूत लक्षण हैं कि आपका पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। इसको जानने के लिए आपको अगर भूख नहीं लग रही है, आपका पेट भारी है, आपके पेट में अफारा आया हुआ है, पेट तना हुआ रहता है, आज हम देखेंगे कि चार में से लगभग तीन लोगों का पेट निकला हुआ है, चार में से तीन लोग पेट निकलने की वजह से अफारे की वजह से परेशान है, पेट फूला हुआ रहता है, तना हुआ रहता है, पेट में गैस बनी रहती है, ये सारी समस्याएं बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और इन सारी ही परेशानियों में बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप भोजन सूर्यास्त के पहले पहले ले लेते हैं, सूर्य ढलने के पहले पहले आप भोजन ले लें। उसके और भी कई फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये डायरेक्ट है कि सूर्यास्त के पहले आपने भोजन कर लिया और आप लगभग 3-3.5 घंटे बाद सोएंगे तो आपका पेट खाली हो जाएगा और खाली पेट जब आप सोएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो आपके शरीर को मजबूत करने में मदद करेगी। रात को जब आप सो रहे हैं उस समय आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करेगी। आपके शरीर की कोशिकाओं में कहां कहां टूट फूट हुई है, कहां की कोशिकाएं कमजोर पड़ रही हैं, लिवर कमजोर पड़ रहा है कि पैनक्रियाज की कोशिकाएं धीरे धीरे करके काम कर रही हैं जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रेशन कम होती जा रही है, उसकी वजह से आपको शुगर आ रही है, इन सारी चीजों को रात को शरीर देखेगा अगर उसको समय मिलेगा तो। लेकिन रात को भी अगर शरीर ये सोचे कि पनीर खा लिया है उसको पचाना है, कि छोले खा लिए उसको पचा लें, कि कुलचे खा लिए हैं उसको कैसे पचाएं, तो अगर रात को भी शरीर पचाने में लगा रहेगा तो फिर आपके शरीर का रिजनरेशन और रिपेयर कब होगा। तो रिजनरेशन और रिपेयर आपके शरीर का प्रॉपर हो, जिस तरीके से आप अपने शरीर को आराम दे रहे हैं रात को सो करके, ऐसे ही आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको देखा जाए कि उनमें क्या क्या गड़बड़ी हो गई है। वो कब देखेगा शरीर, जब आपका शरीर जब आप सो रहे हैं तो उसको रिलैक्सेशन मिले, उसको कोई काम देकर के मत सो आप। हम तो क्या करते हैं कि हम तो खा लेते हैं तुरंत और खा करके लेट जाते हैं, तो हमने तो खा लिया अब हम तो लेट गए, हम तो सो रहे हैं, लेकिन हमने अपने पाचन तंत्र को काम कर दे दिया कि भाई तू इसको पचाना जो हमने अभी खा दिया है, तो रात भर वो बेचारा उसको पचाने में लगा रहेगा, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम रहेगी। और धीरे धीरे करके ये जो व्यवस्था है आपका शरीर आपके शरीर में देख ही नहीं पाएगा कि कहां टूट फूट हो रही है, पैनक्रियाज की वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही है, उधर लिवर की वर्किंग कैपेसिटी कम हो गई, लिवर एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बना पा रहा है, पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पा रहा है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन नहीं निकाल पा रही अपनी, तो हाइपोथायराइड होती चली जा रही है, या फिर
आपके स्कैल्प तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाने की वजह से आपको डैंड्रफ हो रहा है, आपके बालों की जड़ों पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाने की वजह से आपके बाल समय से पहले झड़ना चालू हो जा रहे हैं, आप एकदम से बिल्कुल ही आप बाल्डनेस के शिकार होते चले जा रहे हैं, पैची एकदम से बाल झड़े, जगह जगह से एक तरीके से जो स्कैल्प है वो दिखना चालू हो जाता है, कई लोगों के ऐसे स्थितियां आ रही हैं, समय के पहले आंखें खराब होना चालू हो जा रही हैं, क्योंकि शरीर देख ही नहीं पा रहा कि कहां गड़बड़ी आ रही है और उस गड़बड़ी को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो शरीर को इतना मौका तो मिलना चाहिए कि शरीर एक बार पूरी चीजों को अच्छे तरीके से देख ले। जैसे अगर कोई किसी संस्था में काम कर रहा है, अगर उसके पास इतना काम दे दो कि वो बैठे बैठे पूरे दिन वही देखता रहे काम को जो आपने दिया हुआ है, तो वो जाकर के संस्था में ये नहीं देख पाएगा कि कहां क्या गड़बड़ हो रहा है, कहां पानी आ रहा है, कहां लीकेज है, कहां जाले लग गए हैं, कहां प्रॉब्लम आ रही है। और ये सारी चीजें अगर प्रॉपर तरीके से देखने में ही नहीं आ पाएंगी तो गड़बड़ियां बढ़ती चली जाएंगी, और लंबे समय तक अगर नहीं देखा गया तो चीजें धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाती हैं। ठीक वही स्थिति हमारे शरीर में भी है कि अगर हमारा शरीर पूरे तरीके से फोकस ही नहीं कर पाएगा अपने ऊपर तो डेफिनेटली शरीर की एफिशिएंसीज डल होना चालू हो जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप कम से कम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना रेस्ट तो दे दीजिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रात को अपने आप में जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भर दिया उसको पचाने में ऊर्जा नहीं लगाए। और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कुछ नहीं होगा, उस जो ऊर्जा आपकी है वो खाने को पचने में अगर पचाने में नहीं लग रही है, तो जो आपके शरीर की ऊर्जा है जब आप विश्राम कर रहे हैं तो आपके शरीर में आप चल नहीं रहे, आप व्यायाम नहीं कर रहे, आप काम भी नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप चलते हो, आप व्यायाम करते हो, जब आप काम करते हो, तब तो शरीर की ऊर्जा आपके उन कामों में लग रही है, लेकिन जब आप आराम कर रहे हो तब वो शरीर की ऊर्जा आपके शरीर को ठीक करने में लग सकती है। लेकिन उस समय हम अपने पाचन तंत्र को काम देकर के सोते हैं कि भैया तू आराम मत कर लेना, तो ये पचा जो हमने अभी खा दिया है, तो ये बात बॉडी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से शरीर में रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सोने के कम 3 से 3.5 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि आपका पाचन तंत्र प्रॉपर तरीके से 3-3.5 घंटे में आमाशय में खाना पहुंच जाए, आमाशय से धीरे धीरे करके खाना हाथ में उतरना चालू हो जाए, खाना अपने आप जब पाचक रसों के साथ मिल जाएगा तो अवशोषण का काम रहेगा, आपके शरीर में अवशोषित होता रहे खाना, और फिर थोड़ा बहुत काम तो आपके तंत्र को करना पड़ेगा, लेकिन वो जो थोड़ी ऊर्जा शरीर लगा रहा है पाचन तंत्र के फोकस में, लेकिन ज्यादा ऊर्जा, जैसे मान लो 15% ऊर्जा पाचन तंत्र के सुरक्षा में लगा दी उसने, लेकिन 85% ऊर्जा जो है वो आपके शरीर की बाकी की स्थितियों को देखने में, ऊर्जा फिर घूमेगी शरीर में कहां गड़बड़ी हो रही है उसको देखेगी, और उस गड़बड़ी को धीरे धीरे करके सुधारने में काम करना चालू करेगी। धीरे धीरे करके आपका शरीर रोग मुक्त होना चालू हो जाएगा सिर्फ एक आदत से कि आप खाना 3 से 3.5 घंटे पहले खाओ सोने के। इस आदत को तुरंत सुधार लिया जाए। अगर आप सोने के तुरंत पहले कुछ खा रहे हैं या फिर आप ऑफिस से लेट आ रहे हैं और खाना खा के तुरंत सो जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कैसे भी करके आप इस आदत को सुधार लीजिए। या फिर आप ये कर सकते हो, जैसे कई लोग ये कहते हैं कि हम करें क्या, क्योंकि हम तो ऑफिस से ही 9-9:30 बजे फ्री होते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग दुकान करते हैं, जो लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो 10 बजे 10:30 बजे तो फ्री होकर घर पहुंच पाते हैं, 9 बजे दुकान बढ़ाते हैं, उसके बाद लगभग ट्रेवल टाइम होता है 30 मिनट, तो हम 9:30 या 10:45 बजे घर पहुंच रहे हैं। अब आप कह रहे हो 7 बजे खा लो, कैसे खा लेंगे? तो उसके लिए ये व्यवस्था हो सकती है। वैसे तो ये टेक्निकली आपको वे आउट निकालने नहीं है, कुछ ऐसा करके कि लाओ हमें कोई तरकीब दे दो, कुछ निकाल लेते हैं, कोई और ऑप्शन निकल जाए, ऑप्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी बड़ी मजबूरी है तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आप अगर लेट खा रहे हैं तो मैक्सिमम 8:30 बजे, मैक्सिमम 9 बजे आप खाना खा लो, लेकिन 9 बजे अगर आप खाना खा रहे हो तो अनाज मत खाओ, आप उबली हुई सब्जियां खा लो, क्योंकि फल रात को खाए नहीं जा सकते, सलाद रात को नहीं खाना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रॉ फूड रात को खाते हैं तो पाचन में गड़बड़ी आएगी, अगर आप फल रात को खा रहे हैं तो फल की तासीर ठंडी होती है,
कफ कारक होती है और रात की तासीर भी ठंडी है, तो ये एक तरीके से आपके लिए काल विरुद्ध हो जाएगा भोजन। इसलिए आपको रात को सलाद और फल नहीं खाना है। अगर आपको रात को सलाद खाने का बहुत ज्यादा ही मन कर रहा है तो फिर सलाद को आप स्टीम करके या बॉयल करके रात को खा सकते हैं। तो रात को फिर आप क्या खा सकते हो, रात को फिर आप बॉयल्ड सब्जी खा लो। बॉयल्ड सब्जी खाने के बाद बॉयल्ड सब्जी के साथ में आप सूप ले लो। सूप आप कब ले सकते हो, बॉयल्ड सब्जी खाने के 15 से 20 मिनट आधे घंटे पहले सूप ले लो, उसके बाद बॉयल्ड सब्जी खा लो, बॉयल्ड सैलेड खा लो। अब अगर आप लेट हो तो ये खाओ। अगर आप 7-7:30 बजे तक खाना खा सकते हो तो आप चपाती खा सकते हो। अगर आप 8 बजे तक खा सकते हो तो वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी खा लो, और अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर आप बॉइल्ड वेजिटेबल खाओ केवल। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपने बॉइल्ड वेजिटेबल खाई है तो भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आपने वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी खाई है तो कम से कम 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। और अगर आपने रोटी और सब्जी पूरा खाना खाया है डिनर में तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप इस बात का ध्यान रख करके केवल 21 दिन भी इस चीज का फॉलोअप कर लेते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके स्वास्थ्य में सुधार आना चालू हो गया है। निश्चित ही सुधार आना चालू होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।